सब्सक्राइब करिए हमारे यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन भी ऑन करिए जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल बेसिक टू टॉप स्टडी क्लास में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, हमने आपका स्टार्ट किया था क्लास ट्वेल्थ में सेंथेसिस यानी ग्रामर वाले पोर्शन में, और उसमें मैंने आपको अभी तक जो तीन वीडियो दे दिए हैं और उसी में आज चौथा वीडियो आपके लिए होने वाला है। तो इसमें आपके लिए हम प्रैक्टिस भी लेकर आए हैं जिससे कि आप प्रैक्टिस से उसको अच्छी तरीके से समझ सकोगे कैसे रूल्स को आप इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहना, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर के चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, वहां पर आपको सेंथेसिस नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी बनी हुई, वहां पे आप चले जाना, वहां पे आपको सभी सीरियल वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो हमारा किसी आप अन्य प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, जैसे आप फेसबुक पर हैं, इंस्टा पर हैं या अंत कहीं भी हैं सोशल मीडिया साइट पर, तो आपको क्या करना है, आपको जाकर के यूट्यूब में सर्च करना है मेरे चैनल का नाम, जैसा कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, बेसिक टू टॉप स्टडी। ठीक है, यहाँ पे मीनिंग लिख दी है मैंने, तो ये आपको दोनों साइड से लिखी हुई मिल जाएगी जिससे कि आप इसके नाम को देख सकते हैं और जाकर के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लीजिए कि आपको ये मीनिंग पहली बार तो दिखाई दे रही है दोनों, ठीक है, तो आप जाकर के वहां पे सर्च कर लेना, नहीं तो आपको यहाँ नीचे भी आपको मिलेगा, मेरा लोगो मिलेगा चैनल का वीडियो के राइट कॉर्नर में। ठीक है, तो वहां पर भी आप जाकर के नाम को अच्छी तरीके से देख सकते हो। तो आप जाकर के यूट्यूब में सर्च करना, फिर वहां से चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर आपको क्या करना है, आपको जाकर के प्ले लिस्ट में जाना है और वहां पे चेक करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में अंत तक बने रहना जिससे कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना, और कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ठीक है, तो देखिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इसमें देखिए यहाँ पर मैं आपके लिए आज रूल्स लेकर आया हूँ। तो यहाँ पर क्लास ट्वेल्थ की जो है इंग्लिश ग्रामर सेंथेसिस और वीडियो पार्ट नंबर कौन सा होने वाला है, ये 4, यानी इससे पहले वीडियो 3 आपके हो चुके हैं। इसमें देखेंगे जॉइन टू सेंटेंसेस इनटू अ वन सिंपल सेंटेंस, दो सेंटेंसों को हमें एक सेंटेंस में जोड़ना है। ठीक है, बाई यूजिंग किसका यूज करते हुए, इन्फिनिटिव टू का। ठीक है, तो इन्फिनिटिव टू का हम यूज करेंगे और उससे जोड़ना सीखेंगे अपने सेंटेंसों को हम कैसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, जैसे रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 में कह रहा है सेंटेंस में वेरी या क्वाइट, ठीक है, जिससे अधिकता हो जाए उसकी, आने पर उसे एडवर्ब टू, TOO, इसे भी टू बोलते हैं, पर इसमें आप डिफरेंस करना चाहो तो अपने लिए कोडवर्ड बना सकते हो, कैसे, इसे टू कह सकते हो। ठीक है, वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन जो होता है वो टू ही होता है, आप इसे टू कह सकते हो। ठीक है, तो आपको अंतर मालूम पड़ेगा कि टू और टू, यानी टू बोलेंगे तो दो ओ आने हैं और टू बोलूंगा तो एक ओ आना है टी को साथ। ठीक है, मैं चेंज कर देंगे, किसमें चेंज कर देंगे, इसे टू में चेंज कर देंगे वेरी या क्वाइट को, तथा क्या करेंगे आगे, इन्फिनिटिव टू से जोड़ देंगे इसे इन्फिनिटिव टू से। ठीक है, जो दूसरे सेंटेंस में आपको दी होगी वाक्य अगर जोड़ देंगे। ठीक है, यदि वाक्य पैसिव वॉइस, यदि वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तो इसे क्या करेंगे, टू के साथ बी लगाएंगे, उसके साथ क्या लगाना, वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको लगानी है। ठीक है, ऐसे रूल नंबर 2, यदि सब्जेक्ट निर्जीव होगा, ठीक है, और उसका कोई सजीव प्रोनाउन या नाउन भिन्न बनकर आएगा, यानी अलग होगा, ठीक है, उससे जो सब्जेक्ट आएगा दूसरे सेंटेंस में अलग होगा, ठीक है, ऐसे करके, तो उसका ऑब्जेक्ट केस बनाकर उसे रख देंगे, तो उसमें हम ऑब्जेक्टिव केस में उसे कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए यहां पर जैसे हमें कैसे ऑब्जेक्टिव केस में करना है, तो वी का हम कर देंगे क्या, अस, आई का क्या कर देंगे, मी, ठीक है, दे का देम, ऐसे यू का यू ही रहता है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस, आगे ही का हिम, ओके, और सी का हर, ठीक है, इसे सी के हर में चेंज कर देंगे, सी होगा तो उसे हर में चेंज कर देंगे। जैसे ये पहला सेंटेंस देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दिस हाउस इज वेरी कॉस्टली, आई कैन नॉट बाई इट, क्या कह रहा है, यह जो घर है वो बहुत ही कीमती है, इसे मैं नहीं खरीद सकता, ठीक है, नहीं खरीद सकता। इसमें देखिए पहले ये देखने हैं आपको सब्जेक्ट, ये अलग है कि सेम टू सेम है, तो ये सब्जेक्ट कैसे हैं, अलग हैं, आई भी अलग है और हाउस भी अलग है,
जब ये दोनों अलग अलग हैं तो आपको क्या करना है, इसका आपको ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया ऑब्जेक्टिव केस, इसीलिए मैंने यहाँ पर एग्जांपल लिख दिया इसको, देखिए। तो इसे कैसे करेंगे, और यहाँ पर जो बैरी दिया हुआ है इसे आप किस में चेंज करोगे, इसे आप टू में चेंज करोगे, यानी जो टू होता है उसे हम थोड़ा डिफरेंट करने के लिए अपने तरफ से ही मान लीजिए, अपना कोड ही मान लीजिए, इसे मैं टू बोलता हूँ, ठीक है। तो ये बोला टू ही जाता है, ठीक है, इसे ऐसा कंफ्यूजन होना कि ये तो गलत बोल रहे हैं, ठीक है, गलत नहीं बोल रहे, हमने इसे बना लिया, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे दिस हाउस इज वेरी कॉस्टली, तो हम कैसे लिखेंगे दिस हाउस, कैसे बनाएंगे दिस हाउस, हाउस इज, इज लगा दिया, ठीक है। इसके बाद क्या है बेरी, और तो बेरी को किसमें करेंगे टू में चेंज, टी डबल ओ टू कॉस्टली, ठीक है, कॉस्टली, कॉस्टली। अब कहां से हमें चलना है, अब देखिए यहां पे जो आई आया है, आई के लिए हमें ऑब्जेक्टिव केस लगाना है, ठीक है। तो फॉर, और आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है मी, फॉर मी, अब कहां से लेना है जहां से वर्ब है, तो वर्ब कहां पे है बाई वर्ब है, तो क्या लिखेंगे टू बाई, टू बाई, और टू जो बाई है ना यही इन्फिनिटिव कहलाएगा आपका, ठीक है। तो क्या खरीदेगा हाउस, क्या हाउस नहीं खरीद सकता वो, क्यों, दिस हाउस इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई। अब किसे ये इट किसको दर्शा रहा था, आप कहोगे इट क्यों छोड़ दिया, क्योंकि ये इट किसको दर्शा रहा था, इस हाउस को, किसको, हाउस को, इसलिए मैंने छोड़ दिया इट को, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे सेंटेंस पूरा बन जाएगा, दिस हाउस इज टू कॉस्टली फॉर मी टू बाई, ठीक है, यह घर मेरे लिए इतना कॉस्टली है कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, ठीक है। इस तरीके से आपको बनाना, अब देखिए, अब दूसरा सेंटेंस देखिए इसमें क्या कह रहा है, ये वाला नंबर दो, दिस क्वेश्चन वॉज वेरी डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट, हाँ ये यहां से आएगा, द बॉयज कुड नॉट सॉल्व इट, ये क्वेश्चन इतना कठिन है कि जो लड़के हैं वो इसे सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखेंगे पहले ये सब्जेक्ट सेम टू सेम तो नहीं मिल रहा है, क्वेश्चन अलग है और बॉयज अलग है, तो इसका हमें ऑब्जेक्टिव केस लेना पड़ेगा, पर बॉयज क्या है थर्ड पर्सन है तो यही रहेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है वेरी, वेरी को आप चेंज कर दोगे टू में, ठीक है। चलिए तो यहां पे करते हैं, द क्वेश्चन वॉज, द क्वेश्चन वॉज, वॉज टू, टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट, ठीक है, टू डिफिकल्ट फॉर, किसके लिए डिफिकल्ट है, अब यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है, फॉर द बॉयज, फॉर द बॉयज, फॉर द बॉयज क्या नहीं कर सकते, से सॉल्व नहीं कर सकते, तो टू सॉल्व, ये आएगा आपका इन्फिनेटिव, क्या आएगा इन्फिनेटिव, ये आपका इन्फिनेटिव कहलाएगा। अब यहाँ पे छोड़ दिया, मालूम पड़े किस लिए छोड़ दिया, क्योंकि ये क्वेश्चन ही है, तो क्वेश्चन को हम बार बार खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आप इसको बना सकते हो, अब ये दोनों सेंटेंस उतार लीजिए इसी तरीके से, ठीक है। अब इसे हम क्या करेंगे, इसे हम रब करेंगे, इसलिए आप इन दोनों सेंटेंस को उतारिए, और ये रब हो जाएंगे तो फिर आपको उतारने में दिक्कत होगी, उतार नहीं पाओगे आप, ठीक है। कर लीजिए इसे, मैं रब करता हूँ, उनको उतार लिए होंगे आपने, तो यहाँ से मैंने रब कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन दोनों सेंटेंस को बना सकते हो, जैसा कि यहाँ पे रूल हमने बताया था, कौन सा वाला ये रूल चल रहा था, अभी इसमें जो ऑब्जेक्टिव केस ले रहे थे ये वाला चल रहा था, ठीक है। अब इसे हम रब कर लेंगे दोनों को, देखते रहना भाई तीसरा हमारा हो जाए, ठीक है, ये ऊपर का हो जाए, हो जाए। अब देखिए यहाँ पे जो तीसरा सेंटेंस है उसे कैसे बनाओगे आप, देखिए सेंटेंस नंबर तीन, और तीन कह रहा है ही डिड नॉट हैव अ इवन अ फेनी विद हिम, उसके पास क्या नहीं है, पैसे नहीं भाई, ही कुड नॉट बाय अ पीस ऑफ ब्रेड, वह ब्रेड का एक टुकड़ा भी नहीं खरीद सकता, क्योंकि पैसे ही नहीं, तो खरीदेगा किसको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ही, और यहाँ पर देखिए ही, ये सेम पर्सन ही है कि चेंज हो गया है, सेम है, यही है, इसके ही पास पैसे नहीं है और यही नहीं खरीद सकता, ठीक है। तो इसे बना लेंगे, तो कैसे बनाएंगे, ही डिड नॉट हैव इवन अ पेनी
ठीक है, क्या नहीं खरीद सकता है, हम उसके पास नहीं है, यही प्रश्न चल रहा है। तो कहां से लेंगे, हमसे यहां से जो वर्ब चल रही है उसके आगे टू लगाएंगे, इन्फिनिटिव से बनाएंगे, टू बाई अ पीस पीस ऑफ ब्रेड, ठीक है, वह क्या नहीं खरीद सकता, एक रोटी का टुकड़ा नहीं खरीद सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। ऐसे चौथा देखोगे, नंबर चार, द टीम हैज अ कैप्टन, टीम के पास एक कैप्टन है, ही लीड्स अदर मेंबर, टीम टीम मेंबर्स को अदर को क्या करता है, ये लीड्स करता है, यानी उनकी मतलब उन्हें बताता है कि आप यहाँ लगिए वहां लगिए। जैसे आपको मालूम क्रिकेट में 11 प्लेयर होते हैं, इसमें एक कैप्टन होता है, इसीलिए कैप्टन दिया जाता है क्योंकि उनको गाइड कर सके, ठीक है। तो इसके लिए क्या कर रहा है, तो यहां पर देखेंगे कौन लीड कर रहा है, कैप्टन लीड कर रहा है ना, तो एक ही पर्सन यहां पर, ठीक है। तो यहां पर क्या है, कैप्टन लीड कर रहा है, कैप्टन के बारे में सेंटेंस को हम आगे बढ़ाएंगे। टीम में क्या होता है, कैप्टन होता है, कैप्टन किसको लीड करता है, मेंबर को लीड करता है। तो यहां पर भी लिखेंगे, ठीक है, द टीम हैज अ कैप्टन, कैप्टन किसके लिए है, तो लीड करने के लिए, यहां से वर्ब चालू हुई है, तो टू लीड अदर अदर टीम टीम मेंबर्स मेंबर्स, ठीक है। तो अदर्स टीम के मेंबर्स को लीड करने के लिए क्या होता है, कैप्टन होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हो। अब इसे मैं दोनों वर्ब करूंगा, इसलिए आप कर लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए दोनों को, चलिए उतार लिए होंगे, मैं रफ कर देता हूं। अब नेक्स्ट देखेंगे, कोशिश की जाएगी नीचे का ना मिटर जाए। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर पांच, पांच सेंटेंस में कह रहा है, आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ इट, मैं क्या करता हूं, मैं सत्य बोलता हूं, इसके लिए मैं डरता नहीं हूं। तो ये सत्य कब बोल पा रहा है, ये बताइए, ये सत्य जब बोल पा रहा है जब ये डरता नहीं है। अगर मान लीजिए डरता होता तो ये सत्य बोल पाता, नहीं बोलता। तो क्या है, इसमें पहले सेंटेंस हो या दूसरा सेंटेंस हो, जिस सेंटेंस का इफेक्ट दूसरे में पड़ रहा हो, जैसे मान लीजिए पहले सेंटेंस का रिजल्ट हो दूसरा, पहले सेंटेंस का उद्देश्य हो दूसरा, तो क्या करना है आपको, पहले सेंटेंस वही लेना जिसका वो उद्देश्य है या रिजल्ट है। तो इसमें आई देखेंगे, आई, और यहाँ ही देखेंगे, ही स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ इट, ठीक है। क्या कर रहा है, ही की जगह आई करिए, ठीक है, ये गलत लिखा हुआ, आई स्पीक द ट्रूथ, आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ इट, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर जैसे यहां पर सब्जेक्ट जो होगा तो सिंपल से मिल रहा है, तो पहले सेंटेंस को किसको उतारना है, इस वाले को। अब देखिए यहां पर इसे उतारिए, तो आई एम नॉट अफ्रेड अफ्रेड, आई एम नॉट अफ्रेड, किसके लिए अफ्रेड नहीं हूं मैं, तो कहां से लेंगे, यहां से उठाएंगे, टू स्पीक, देखो वर्ब से आगे से उठाते हैं, वर्ब होती है उसके आगे टू लगा दे, इन्फिनिटिव बनाते हैं, स्पीक द ट्रुथ, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो, यहां से ये पूरा क्या कहलाएगा, ये टू वर्ब यहां तक ये क्या है, इन्फिनिटिव का केस हो गया ये यहां तक का, ठीक है, और ये तो उसका जो कार्य है जो कर रहा है वो है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से बना सकते हो इसको। नंबर देखिए, नंबर सिक्स, ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, वह क्या करना चाह रहा है, वह अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा है, He works hard for that reason. इसलिए वो क्या कर रहा है, वह कठिन कार्य कर रहा है। तो कठिन कार्य क्यों कर रहा है, क्योंकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करना चाह रहा है। अगर वो कठिन कार्य नहीं करेगा तो सपोर्ट कर लेगा, नहीं कर पाएगा, तो पहले सेंटेंस कौन सा आना चाहिए, ये वाला, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, नंबर सिक्स डाल दीजिए, लिखिए ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, ही वर्क्स हार्ड, किस लिए कठिन कार्य करता है, तो किस लिए करता है, टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, टू सपोर्ट सपोर्ट हिज फैमिली हिज फैमिली फैमिली, ठीक है, अपनी फैमिली को क्या करना चाह रहा है, सपोर्ट करना चाह रहा है। नंबर
नेक्स्ट देखिए सेवन, क्या अगर द रॉबर टुक आउट हिज नाइफ, यानी जो डाकू है उसने क्या किया, लुटेरा है उसने क्या किया, अपना चाकू निकाला। हिज इंटेंशन, उसका जो इरादा था वो क्या था, वॉज टू फ्राइडन द ट्रेवलर, ट्रेवलर को भयभीत करना था, ठीक है। तो चाकू क्यों निकाला उसने, तो इसलिए निकाला द रॉबर टुक आउट हिज नाइफ, इसके लिए निकाला हिज नाइफ टू, यहां से टू से बद चालू हो रही है तो टू लगा दिए, टू फ्राइडन द ट्रेवलर, ट्रेवलर को कैसे करने के लिए, भयभीत करने के लिए उसने निकाला, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना सकते हो। नंबर नेक्स्ट आठवां देखिए क्या क्या कह रहा है, देखिए आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आई मस्ट एडमिट इट फ्रेंकली, मैं इसे कैसे फ्रेंकली कहना चाहूंगा, तो कैसे वो कह रहा है, टू बी फ्रेंक होके कह रहा है, टू बी फ्रेंक होकर उसने कहा, क्या कहा उसने, तो कहा आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स, ठीक है, मेरा पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये उसने कैसे कहा, फ्रेंक होकर कहा, ठीक है। तो इस तरीके से आठ खत्म हो गए, इसके बाद मैं रब करता हूँ, उसके बाद मैं आता हूँ अगले, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ रहे होंगे, आप कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ लेना, सेंटेंस लिख लेना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं बता दूंगा वहां पर। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, नाइन सेकंड लास्ट, ही हेल्प्स द पुअर, वो है गरीबों की सहायता करता है, ही तो ही सेम ही सेम है, दोनों एक ही पर्सन का बात कर रहा है, ही इज एनक्सियस टू रिलाइव देम फॉर देयर ऑफरिंग्स, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, आप देखिए इसमें कैसे बना सकते हो, यहाँ पर इसको दोनों एक ही है तो क्या करना है, ही हेल्प्स, तो क्या कर रहा है, ही हेल्प्स द पुअर, क्या कर रहा है, पुअर लोगों की सहायता कर रहा है, किसके लिए, तो उन्हें क्या करने के लिए, टू रिलाइव, ठीक है, टू रिलाइव देयर ऑफरिंग्स, ठीक है। तो क्या करेंगे, टू रिलाइव, ठीक है, टू रिलाइव देयर ऑफरिंग्स, ठीक है। तो और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस, दस ये हो गया आपका पूरा सेंटेंस बना दिया आपने, यहां से दसवां देखिए, द मैनेजमेंट कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, मीटिंग किसकी बुलाई, एम्प्लॉयज की मीटिंग बुलाई, ठीक है। उसके बाद क्या किया, दे वांटेड टू बी डिस्कस, टू डिस्कस रिक्वायरमेंट्स, वह रिक्वायरमेंट्स जो उसकी आवश्यकता है उसको वो डिस्कस करना चाह रहे थे, तो इसे आप सेंटेंस बना लीजिए, द मैनेजमेंट कैसे बनाओगे, द मैनेजमेंट कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द एम्प्लॉयज, ठीक है, किसके लिए, टू डिस्कस रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। तो यहां से रिक्वायरमेंट्स ले लो, टू डिस्कस रिक्वायरमेंट्स, तो रिक्वायरमेंट्स को क्या डिस्कस करने के लिए उन्होंने क्या बुलाई है, उनकी मीटिंग बुलाई थी, ठीक है। तो इस तरीके से यहां से जो जुड़ेगा, यहां से टू डिस्कस कर दे तो ये इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इन सभी सेंटेंसों को बना सकते हो, ठीक है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया, कोई भी इसमें अगर दिक्कत हुई है बता देना आप, ठीक है। तो यहाँ पे सभी का मैंने ट्राई किया है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे विदा लेंगे, अगर वीडियो अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना, थैंक यू।